नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में खेले गए टेस्ट मैच में ऋषभ पंत के शानदार प्रदर्शन के बारे में, साथ ही बाकी प्लेयर्स के गजब के परफॉर्मेंस के बारे में। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि क्रिकेट से जुड़ी सभी खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल क्रिकेट इज लाइव को सब्सक्राइब करें और वीडियो में सारी जानकारी डिटेल में, तो वीडियो को एंड तक देखें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें। इससे पहले इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में 5 T20 मैचेस की एक सीरीज हुई थी, जिसमें इंडिया ने न्यूजीलैंड को क्लीन स्वीप किया था और जीत दर्ज की थी। उसके बाद इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में 3 ODI मैचेस की एक सीरीज हुई, जिसमें के बाद इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में 3 ODI मैचेस की एक सीरीज हुई, जिसमें न्यूजीलैंड ने इंडिया पर शानदार जीत दर्ज की। इससे पहले इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में 3 दिनों का एक प्रैक्टिस टेस्ट मैच खेला गया, जिसमें इंडिया के कई सारे प्लेयर्स का काफी शानदार प्रदर्शन हमें देखने को मिला। इंडिया की पहली इनिंग में चेतेश्वर पुजारा ने काफी बढ़िया तरीके से खेलते हुए 93 रन बनाए, वहीं हनुमा विहारी की तरफ से भी 101 रनों की शानदार पारी देखने को मिली। और उस दिन न्यूजीलैंड के बॉलर्स में कुगलेन ने 3 विकेट लिए थे और ईश्वरी ने 3 विकेट लिए। उसके बाद न्यूजीलैंड की पहली इनिंग में हमारे बॉलर्स ने काफी शानदार प्रदर्शन दिखाया और बुमराह ने 2 विकेट लिए, उमेश यादव ने 2 विकेट लिए, मोहम्मद शमी ने 3 विकेट लिए, नवदीप सैनी ने 2 विकेट लिए और अश्विन ने 1 विकेट लिया। इस मैच में हमारे जो ओपनर्स थे, जो कि पिछले काफी मैचेस में फ्लॉप रहे, उनका भी काफी बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला। पृथ्वी शो ने 39 रन बनाए, मयंक अग्रवाल ने 81 रन बनाए, शुभमन गिल फ्लॉप रहे, केवल 8 रन बनाए, लेकिन ऋषभ पंत की तरफ से काफी बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला। ऋषभ पंत ने 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से 63 बॉलों में 70 रन बनाए। वही ऋद्धिमान शाह ने 30 रन बनाए, जो कि एज अ विकेट कीपर खेल रहे थे, और अश्विन ने 16 रन बनाए। बात करें न्यूजीलैंड की बॉलिंग की, तो डेरिल मिशेल को 3 विकेट मिले, इसके अलावा कोई भी बॉलर विकेट लेने में सक्षम नहीं रह पाया। और इसी के साथ इंडिया ने अपनी दूसरी इनिंग में 252 रन बनाया, उसी के साथ ये मैच ड्रॉ रहा। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको ऋषभ पंत की पारी कैसी लगी। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।